हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फोर क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अपनी जो पोम है द एंट एंड द क्रिकेट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो क्रिकेट है उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी शेव नहीं किया। उसके पास जो है ना तो शेल्टर है, ना ही खाने के लिए फूड है, तो उसने किसी भी तरह की कोई भी सेविंग जो है उसने समर सीजन में नहीं की, केवल उसने सिंग किया यानी गाना गाया। सो अब वो जो है प्रॉब्लम में आ गया है, तो वो एंट के पास जाता है मांगने के लिए। और एंट उसको क्या कहती हैं कि ना तो हम बोरो करते हैं, ना ही हम लैंड देते हैं, यानी हम ना तो उधार देते हैं और ना ही लेते हैं। सो अब हम इसको आगे करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो यहाँ पे आपको रिमेंबर के लिए एक जो है पॉइंट दिया गया है, ए फेबल इज़ अ स्टोरी। फेबल क्या होती है बच्चों? फेबल एक स्टोरी होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वे अ मोरल, जो कि किससे रिलेटेड होती है? एनिमल से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और उनसे हमें एक मोरल जो है वैल्यू सीखने को मिलती है, उनसे हमें वो मोरल स्टोरीज होती हैं। अब हम स्टैंजा 5 करेंगे। दस एंडिंग द हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। फोक कॉल दिस अ फेबल, आई विल वॉन्ट इट ट्रू। सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। तो इसमें अब यहाँ पर क्या बताया गया है, आप जो एंट हैं उन्होंने मना कर दिया उसको कुछ भी देने से, क्रिकेट को कुछ भी देने से मना कर दिया, और उसको जो है ज़बरदस्ती एक तरह से कहा जो है बाहर उसको फेंक दिया, आउट ऑफ द डोर, हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, ठीक है। तो उसको जो है एक तरह से बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। एंड टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फॉक कॉल दिस अ फेबल, अब जो लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं, वो इसको फेबल कहते हैं, यानी इसको क्या कह रहे हैं, एक स्टोरी कह रहे हैं। बट यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक ट्रू है, ये एक सच्चाई है, कि लोग इसको बेशक एक स्टोरी कहें लेकिन मैं इसको एक स्टोरी नहीं कहता, मैं इसको ट्रूथ कहता हूँ, जो कि आजकल हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स, पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि कुछ जो क्रिकेट हैं उनके फोर लेग्स होते हैं, बट सम हैव टू, कि कुछ जो हैं उनके टू लेग्स हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो सम हैव टू लेग्स का मतलब क्या, कि कुछ पीपल, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो क्रिकेट की तरह ही होते हैं, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचते और प्रेजेंट में ही जीते हैं, फ्यूचर के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने कहा है कि सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स बट सम हैव टू, तो कुछ बहुत लेज़ी होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सेव करके नहीं रखते, और फ्यूचर में फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस जो पोएम है इसकी मोरल क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, और फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, हमें कैसे करना है, उसकी प्लानिंग जो है हमें पहले से ही कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फ्यूचर में हमें एकदम से उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम तभी उसको फेस करेंगे, नहीं, हमें उसकी प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन से जो है जो पॉइंट है उनका क्या मतलब है, सम क्रिकेट्स हैव फोर लैक्स एंड सम हैव टू, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए दिया गया है, देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव टू लैक्स। ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव फोर लैक्स। ऑप्शन सी, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डोंट केयर अबाउट देयर फ्यूचर, जी कि जो है कुछ लोग जो है वो क्रिकेट की तरह ही होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में उनको कोई केयर नहीं है, कोई केयर नहीं करते। तो सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट एक्सटॉम्ड टू डू, ठीक है। तो जो यंग क्रिकेट है उसने क्या किया, सिंगिंग किया, बी ऑप्शन क्राइंग किया, या जोगिंग किया। तो उसने क्या किया था बच्चों, सारी समर सीजन उसने केवल सिंग किया, केवल गाना गाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड है, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर, जो क्रिकेट है वो हैप्पियर जो है वो कब था, इन रेन एंड विंटर सीजन में, इन विंटर एंड ऑटम सीजन में, सी ऑप्शन है इन समर एंड स्प्रिंग सीजन में। तो बेटा वो जो है हैप्पी कब था, इन समर एंड स्प्रिंग सीजन में, उसको चारों तरफ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, तो उसने फ्यूचर की चिंता न करते हुए केवल जो है गाना गाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई डिड ही कंप्लेन, वो जो है फिर उसने कंप्लेंट क्यों की, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था।
बी ऑप्शन बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वो प्यासा था। एंड सी ऑप्शन बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर, क्योंकि जो है विंटर में उसकी कबर्ड जो है वो क्या थी, खाली थी। तो वो जो कंप्लेंट क्यों कर रहा था, बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर, उसकी कबर्ड जो है वो क्या थी, खाली थी विंटर में। नेक्स्ट देखिए नंबर फिफ्थ, वाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट, क्रिकेट जो है वो एंट के पास क्यों गया। ऑप्शन ए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन बी फॉर शेल्टर एंड फूड, एंड ऑप्शन सी फॉर लिविंग विद हिम। तो क्यों गया था, फॉर शेल्टर एंड फूड, इसके लिए वो गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का आपका सी, एंड फोर्थ का आपका सी, फिफ्थ का आपका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, गिव द ऑपोजिट ऑफ, तो ऑपोजिट लिखना है। एम्प्टी का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टी का ऑपोजिट हो जाएगा फुल। सेकंड देखिए वार्म, वार्म क्या होता है, गर्म, तो गर्म का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होता है उल्टा, तो गर्म का ऑपोजिट हो जाएगा कूल, ठंडा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोम, तो इस पोम से आपको जो है क्या लेसन सीखने को मिला। सो आंसर विल बी वन शुड ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर, तो हमें जो है अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट अवर फ्यूचर नीड्स, अगर हमें पता है कि हमें फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, देन वी शुड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट एट द अर्लीस्ट, तो हमें पहले से ही उसके लिए अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये जो है इस पोम से हमें सीखने को मिला। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। बहुत ही ईजी वर्कशीट थी आपकी, और इस वर्कशीट के साथ ही आपका ये जो पोम है आपकी, ये भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।